हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PYP और PEB के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपको जनरल नॉलेज के जो 17 क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर क्या है? 63.74%, 71.13%, 57.56% और लास्ट ऑप्शन है 69.32%। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, जिसे हम इंग्लिश में लिटरेसी रेट बोलते हैं, तो वो मध्य प्रदेश की 69.32% थी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो साक्षरता दर के रैंक वाइज जो फर्स्ट स्टेट है वो केरल है, जिसकी लिटरेसी लगभग 94% के लगभग है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भारत की साक्षरता दर है वह 74.06% है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी नवंबर 2017 को भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है विश्वदीप दे, सेकंड ऑप्शन एन के सिंह, थर्ड ऑप्शन आलोक वर्मा और हमारा लास्ट ऑप्शन है विकास स्वरूप। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो भारत के 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में एन के सिंह को नियुक्त किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में भी हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2017 को महिलाओं की एकल श्रेणी में बैडमिंटन के 82वें वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब को किसने जीता? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अश्वनी पोनप्पा, सेकंड ऑप्शन है साइना नेहवाल, थर्ड ऑप्शन है ज्वाला गुट्टा और फोर्थ ऑप्शन है पीवी सिंधु। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो नवंबर 2016 में एकल श्रेणी के 82 बैडमिंटन का खिताब साइना नेहवाल ने जीता था। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साइना नेहवाल तथा पीवी सिंधु भारत के हैदराबाद से संबंधित हैं, अर्थात भारत के हैदराबाद राज्य से हैं, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित था। मध्य प्रदेश विधानसभा के सभापति स्पीकर कौन है? तो आपको पता भी होगा कि विधानसभा के जो सभापति, उसको हम स्पीकर के नाम से पुकारते हैं। तो पहला ऑप्शन है सीतासरण शर्मा, सेकंड ऑप्शन है ब्रजमोहन मिश्रा, थर्ड ऑप्शन है ईश्वरदास रूहाणी और फोर्थ ऑप्शन है श्रीनिवास तिवारी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि उस टाइम पे जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश की विधानसभा की सभापति सीतासरण शर्मा थे। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में जो अंतरिम सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, तो कमलनाथ जी के समय पे विधानसभा की सभापति एपी प्रजापति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3 दोहरा शतक बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? फर्स्ट ऑप्शन वीरेंद्र सहवाग, सेकंड ऑप्शन एबी डिविलियर्स, थर्ड ऑप्शन रोहित शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है क्रिस गेल। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो एक दिवसीय, जिसे हम वनडे मैच बोलते हैं, तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी का नाम रोहित शर्मा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 6वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के जनक तानसेन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान से संबंधित है? दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो हिंदुस्तान संगीत के जनक तानसेन मध्य प्रदेश के बेहट स्थान से संबंधित है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो तानसेन का मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त होना नियत है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से संबंधित था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था जनवरी 2019, सेकंड ऑप्शन सितंबर 2018, थर्ड ऑप्शन मार्च 2019 और लास्ट ऑप्शन नवंबर 2018। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उस टाइम पे ये जनवरी 2019 पर
विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होना था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो भी करंट अफेयर से संबंधित था। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को निम्नलिखित आधार के चलते जनवरी 2018 को अयोग्य घोषित किया गया था। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अदालत में आपराधिक मामले में कार्यवाही, सेकंड ऑप्शन था लाभ कमाने वाले पद संभालना, थर्ड ऑप्शन था आय से अधिक संपत्ति और लास्ट ऑप्शन था शपथ पत्र में गलत जानकारी देना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आम आदमी के 20 विधायकों को निष्कासित किया था जनवरी 2018 में, तो उसका मेन रीजन लाभ कमाने वाला पद संभालने के कारण इनको निष्कासित किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में पुनः दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आई और वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां की पुनः CM नियुक्त हुए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम का ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है भगवान का अपना देश, सेकंड ऑप्शन है हर चीज संभव है, थर्ड ऑप्शन है अतुल्य भारत का हृदय और लास्ट ऑप्शन है समृद्ध वन आवरण युक्त भूमि। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम का जो आदर्श वाक्य अतुल्य भारत का हृदय अर्थात द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पर्यटक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा 10वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन के तहत पारस चंद्र जैन खालिस्तान मंत्री हैं। दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि जो मंत्रिमंडल से हर एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बताना है कि उस टाइम पे पारस चंद्र जैन जो बीजेपी की सरकार थी उसमें किसके मंत्री थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सेकंड ऑप्शन है पंचायती राज, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन है पशुपालन। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पारस चंद्र जैन थे वह एनर्जी अर्थात ऊर्जा के मंत्री थे। दोस्तों बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, सेकंड ऑप्शन ग्वालियर, थर्ड ऑप्शन इंदौर एंड फोर्थ ऑप्शन भोपाल। तो दोस्तों आपको याद रखना है, और वैसे भी आपको ये जनरल सेंस में पता भी होगा कि जो मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जहाँ से आप PGDCO DCA कि जो डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, तो उसका जो मेन विश्वविद्यालय है वह भोपाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है भोपाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि फाइनल आंसर में इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन से जिले में हुआ था? पहला ऑप्शन नरसिंहपुर, सेकंड ऑप्शन रतलाम, थर्ड ऑप्शन टीकमगढ़ और फोर्थ ऑप्शन मंडला। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ओशो रजनीश हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, देवास और होशंगाबाद। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सिक्योरिटी पेपर मिल का लोकेशन है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा होशंगाबाद। हमारा 14वां क्वेश्चन है मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? आपको ये बताना है कि जो मेरी 51 कविता है यह किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड ऑप्शन निदा फाजली, थर्ड ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी और फोर्थ ऑप्शन है दत्त शर्मा। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मेरी 51 कविता है यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित कृति है। दोस्तों आपको ये बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। दोस्तों बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर, हमारा 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धर्म के साथ टावर ऑफ साइलेंस संबंधित है? टावर ऑफ साइलेंस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस इन इंडिया। तो आपको बताना है कि ये टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पारसी, सेकंड ऑप्शन है इस्लाम, थर्ड ऑप्शन है बौद्ध और फोर्थ ऑप्शन है जैन।
तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो टावर ऑफ साइलेंस है यह मध्य प्रदेश के पारसी धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वदेशी रंगीन फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, सेकंड ऑप्शन है मुगल आजम, थर्ड ऑप्शन है आलम आरा और फोर्थ ऑप्शन है किसान कन्या। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारी प्रथम भारतीय स्वदेशी रंगीन फिल्म, इसका नाम किसान कन्या है। दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं कि राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी जिसे 21 अप्रैल 1913 में लॉन्च किया गया था। वहीं आलम आरा की बात की जाए तो यह भारत की पहली साउंड वाली मूवी थी जिसे 1931 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण खालिस्तान के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। पहला ऑप्शन है तबला, सेकंड ऑप्शन है हिंदुस्तानी गायन, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक गायन और फोर्थ ऑप्शन है बांसुरी। दोस्तों आपको याद रखना है कि डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको शेयर भी करना है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।